एक चीज रिवील नहीं करूंगा, बट मैं आप ये बैठ कर पहले दोबारा सुन नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज आज का सीन ऐसा है कि हम आ चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, हम देख रहे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी और ये इसका मेन गेट है। और अभी दिखा दूं मैं आपको, समय हो रहा है सुबह के, बंद हो गई घड़ी, कितना हो रहा है, पोपट हो गया, 8 बज रहे हैं दोस्तों और 8 बजे हम सुबह सुबह आ चुके हैं। अभी बारिश पड़ रही थी इसलिए हम जल्दी नहीं आए और अभी हम चलेंगे अंदर और दिखाएंगे टिकट वगैरह कितने की मिलती है। दोस्तों यहाँ की टिकट है 30 रुपए पर पर्सन और अगर कैमरा वगैरह लाते हैं तो उसके 500 रुपए आपको अलग से पे करने होंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स, वाटर बर्ड्स और रेसिडेंस वाटर बर्ड्स आप देख सकते हैं, ये सब सारी बर्ड्स देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, अगर दिखेगी तो कुछ। पक्षियों की फोटो तो बहुत सारी दिख रही है लेकिन हमारी किस्मत है बाकी हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये देखिए कितना बढ़िया बना रखा है, कितना सीन बढ़िया है, ये देखिए कितना बढ़िया है। और सुना है कि इस पे जाएंगे तब दिख नहीं रहा, अभी दिखाता हूँ, ये देखो एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति ना चढ़े, अभी देखते हैं क्या समझ आता है। हाँ दोस्तों हिल तो रहा है क्योंकि पाइपे के ऊपर है ये, और व्यू देखो दोस्तों यहाँ से व्यू कितना प्यारा है इसे। हरियाली ही हरियाली सब तरफ। तो गाइस हमें दिखिए बोट और बोट देखो कितनी शानदार बोट बनाई थी बैठने के लिए, अगर आप घर से खाना वगैरह लाते हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं और दिखाता हूँ, और बड़ा वुडन का बना रखा है। पक्षियों को देखने, पता नहीं वो अर्ली मॉर्निंग हमारी तरह उठे होंगे या नहीं उठे होंगे, उनकी मम्मी ने उठाया होगा नहीं उठाया होगा, हमें तो उठा दिया भाई, मैं गरीब हूँ। बाकी ये गेट है अंदर, ये भी पूरा वुडन का बना रखा है, बहुत ही शानदार लग रहा है, लग रहा है ये पक्षी मिलेगा आपको अबाबिल, नाम बड़े खतरनाक है इनके अबाबिल करके, अब देख सकते हैं ये बोर्ड लग रहा है और कितना कलरफुल पक्षी लग रहा है, देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अगर पार्टनर के साथ आते हैं, और ये जो एरिया है मैं आपको बता दूं ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपका पास मेट्रो स्टेशन पड़ेगा ओखला बर्ड सेंचुरी का, और बढ़िया है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का होगा यहाँ से, जो आप यहाँ पर आ सकते हो। टिकट है, हमने दो बंदे आए हैं, मेरे दोस्त कैमरे के पीछे उसकी और मेरी टिकट मिला के 60 रुपये की हो गई है, और तो इन्जॉय करेंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ऐसी सुबह मज़ा आएगा। दोस्तों यहाँ पे है ये कुछ रेप्टाइल्स की फोटो, स्नेक्स वगैरह, ये तो ना ही दिखे तो इनसे तो वैसे ही हट दे हमारे सामने से आ गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी हमारे, दूर से देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। तो आगे की जानकारी देगा मेरा दोस्त, ये इनका नाम है राहुल, हाय गाइस, मेरा नाम है लक्की, और इस वीडियो में आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा इस चैनल पे पहला ब्लॉग है, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएंगे तो एक से एक इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे इस चैनल पे। अभी ये आप इस पक्षी की आवाज सुन सकते हैं, आ रही है यहाँ पे आवाज, आ रही है आपको भी ये इसी पक्षी की आवाज है, इसकी दिखा दे नो, एक ये पक्षी है देखो, यहाँ देख सकते हैं लाल तूती, तूती आवाज भी आ रही है भाई साहब कितना बढ़िया व्यू आएगा यहाँ से, फोटोजेनिक ये जगह बना रखी है, यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। अभी देख लीजिए नदी के पास समुद्री गल, अभी तक कुछ दिखा भी है, इतनी देर से घूम रहे हो भाई, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ जंगल झाड़ियाँ और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन शांत, फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन गाइस एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर आप भी एक बर्ड है मतलब आपके पास भी
आपका पार्टनर है तो ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूब है यहाँ पे। अगर बर्ड्स मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके पास बर्ड है तो यहाँ लाके बहुत कुछ मिला सकते हैं आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे अबे तो वहाँ जाएगा ना बंदा। ओए होए बसंती का, बसंती का चाचा का लौंडा बसंत आए। वहाँ कैसे जाएंगे? कहाँ? वो देखो घर सा बना हुआ है। ओए ओए इसमें एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? क्या क्या क्या? तेरा दिमाग कूड़े में। गाइस मेरे आप खुद ही पढ़ लो, हम तो पागल हो गए हैं पढ़ पढ़ के। ये देखिए कितना कठिन नाम है, रंगीन जाझिल। भैया पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, प्रिंटेड स्ट्रोक। चलो आओ आगे दिखाते हैं। हरियाली बहुत बढ़िया खूबसूरत लग रही है और फोटो जाने आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं। बाकी ग्रीनरी और मौसम कालसिर पोचाड़ी पोचाड़ क्रस्टेड पोचाड़, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, मतलब बड़े खतरनाक है दोस्तों। चिड़िया हो या ना हो लेकिन नाम बड़े खतरनाक, और बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है, देखने को मिलेगी तो अच्छी बात है। और वहाँ जा रहे हैं आप, वहाँ भी जा सकते हैं उसमें। ये 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 आपकी गाड़ी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। ऐसे लेंगे भाई। और ये हमारा पिकनिक स्पॉट की तरह ये बनाया हुआ है, एंजॉय कर सकते हैं। चलो इसको अगर आप ध्यान से कभी याद करोगे तो समझ आएगा ये किस तरीके के उलझे हुए हैं। उलझे हुए हरामी हो बेटा। ऊपर से देखो आप ही देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये आपस में ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से। बहुत ही खतरनाक है, ऐसा लग रहा है पहाड़ों में। आइए कोशिश करते हैं। चल फिसल फिसल मत जाना, चल जा। अबे छोड़ के जाना, मैं पूरा पूरा कवर कवर करूंगा। अपना जा तो सही, नीचे नीचे गिर। मैं कोशिश करता हूं कि मैं गिरूं ना, क्योंकि मैं चलो गाइस ट्राई करते हैं। पेड़ पौधा पकड़ के जा रहा है गाइस, अगर मैं गिरूंगा तो मैं वीडियो काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। मतलब ये कवर कवर हो रहा, जा लेकिन आपके लिए हम रिस्क लेके नीचे उतरे। अभी तक कोई भी नहीं आया इतना नीचे, और हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं जंगल की तरफ। अबे कहाँ जा रहा, अंदर साले मिल गया ना कोई? पीछे पीछे चलो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ तकड़ा सा रिस्क लेने, कुछ मिल जाए। भगने की भी जगह नहीं है बेटा, कोई पशु पक्षी मिल गया तो पक्षी से भी भगना पड़ेगा। पक्षी नहीं मतलब शेर वेर अंदर कुछ मिल जाए यहाँ पे। अबे हम दो शेर की बात कर रहा हूँ, दूसरों को मिल गए तो हम दो तो शेर हैं। राज मूवी यही बनेगा। बाकी कोई जानवर नहीं, ये कोई ये देखो भालू की तरह करके भी दिखा रहा है, और कुछ नहीं दिखा दोस्तों अभी तक। एक मोर दिखा है, बाकी गाइस मोर नहीं दिखा, वो कौवे तो? कौवे के चाचा का लड़का दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये रहा कोतवाल, ये कोतवाल है, ये कोतवाल है जी इस थाने का। अगर कुछ दिक्कत हुई तो ये तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। सुनसान रास्ता मस्त। अरे कैसा फील कर रहा है भाई, बता दे कैसा लग रहा है? इतना बेकार फील कर रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं। क्यों मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम वहाँ सुबह सुबह जाएंगे, बहुत सारे पक्षी दिखेंगे जैसे कि नाम है बर्ड सेंचुरी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। अरे भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था तो है नहीं बाहर, ठीक है, और अंदर हम इतना कठिन है यहाँ पे पक्षियों के।
दोस्तों पढ़ा तो हुई, लिखा नहीं हूँ तो क्या हो गया, लेकिन पढ़ा तो हुई। आगे आगे चलो, आगे ये थोड़ा घूम करके दिखाऊंगा आपको। कहाँ जा रहे हैं? पीछे यहाँ से जो अंदर की दूरी है वो है 3 किलोमीटर और यहाँ से हमारा घर टोटल ही है 2.5 किलोमीटर। गाइस बीच में कहीं हमारा घर ना आ जाए, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर ही निकल जाएंगे यहाँ से। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, बस शांति है, वो अच्छा लगा। सबसे अच्छा कि 30 रुपये इस चीज़ में तो वसूल मान सकता हूँ कि आपको 30 रुपये में शांति यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी पशु पक्षी के लिए ये मशहूर है, लेकिन कुछ नहीं दिखेगा आपको, मैं सच ही कह रहा हूँ। आइएगा तो ये सोच के मत आइएगा कि आपको सारे पशु पक्षी दिख जाएंगे यहाँ पे। बाकी मैं चीज़ एक आइटम है यहाँ पे, देखो पढ़ना जरा, ये क्या नाम है? दर्जन चिड़िया। ये बताओ दर्जन चिड़िया है, दर्जन है एक ही चिड़िया है, दर्जन चिड़िया। बताओ कैसी कैसी तो नाम है यहाँ पे। और व्यू देखो कितना, ये बोलने जाने की जरूरत नहीं है, आप घर के पास वाले पेड़ पे देख लीजिए। सही बात है भैया, गैलरी देखने के लिए आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, और पैसा खर्च करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि घर के पास ही दिख जाती है ये। बाकी मैंने फिर से बता रहा हूँ, कुछ दिखे या ना दिखे, भालू मैं अपने साथ लाया हूँ। ये रहा भालू मेरा। बाकी इस चीज पे 30 रुपये वसूल हो सकते हैं भैया, किसी को भालू अगर किराए पे चाहिए होता मैं दे दूंगा। ये रहा मेरा भालू, 10 रुपये का, 10 रुपये का भालू, 10 रुपये का भालू। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।